क्या आपका खात्मा आपके प्यार के साथ होगा? इस वीडियो के सवाल के जवाब देने के बाद आप ये बात जान सकेंगे कि आपके प्यार के साथ आप कब तक रहेंगे, क्या मोहब्बत आखिर तक रहेगी, क्या ताल्लुक कायम होगा, क्या ये आखिर तक रहेगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तरीका ये कि आपसे 10 सवाल किए जाएंगे, हर सवाल के 3 या 5 ऑप्शन हैं, को एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें, जवाब ईमानदारी से देने और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, वो लम्हा याद है जब आपने पहली बार अपने प्यार को देखा था? ए शायद, बी हाँ अच्छे से याद है, सी नहीं। सवाल नंबर 2, क्या आपने उसे फौरन पसंद किया? ए कह नहीं सकती, बी हाँ, सी ये मोहब्बत थी जो हो गई, डी नहीं, ई मुझे पसंद नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि वो ऐसा है। सवाल नंबर 3, आपके ख्याल में वो आपकी बात समझ जाता है? ए बहुत मुश्किल से, बी हाँ, सी कभी कभी, डी बहुत अच्छे से मुझे समझता है, मैं बहुत खुश हूँ, ई हम इतने करीब नहीं हुए, ज़्यादा बात नहीं होती। सवाल नंबर 4, उसका रवैया आपके साथ कैसा है? ए खामोश रहता है, बी हाँ में हाँ करता है, सी गुस्से वाला है, डी वो अचानक आ जाता है, मैं डर जाती हूँ, ई डरपोक है। सवाल नंबर 5, अगर पूरा दिन आप उसके साथ हों तो दिन अच्छा गुजरता है? ए हाँ पूरा दिन अच्छा गुजरता है, बी हम बहुत लड़ते हैं, सी नहीं लड़ाई भी हो जाती है। सवाल नंबर 6, आपको उसके साथ खुशी होती है, लड़ाई हो तब भी? ए हाँ बहुत खुश, बी खुश नहीं फिर भी साथ रहना चाहती हूँ, सी पता नहीं बस गुजर रही है। सवाल नंबर 7, उससे अपने एहसासात जज्बात का इजहार किया है? ए वो एक अच्छा इंसान है, बी वो मेरे एहसासात को जानता है, सी वो मुझे अब तक समझ ही नहीं सका, डी शायद, ई नहीं अब मैं उससे दूर हूँ। सवाल नंबर 8, बातचीत का आगाज पहले कौन करता है? ए कोई भी कर देता है, बी मैं करती हूँ, सी वो करता है।
सवाल नंबर 9, आपके प्यार को आप में क्या नजर आता है? ए बहुत कुछ, बी मुझे नहीं पता, सी शायद एक अच्छी लड़की हूँ, डी उसकी नजर में मेरे जैसा कोई नहीं, ई मैं अच्छी लड़कियों में से एक हूँ। सवाल नंबर 10, आप अपने प्यार के घर गए हैं? ए हाँ, बी रोजाना मेरा ज्यादा वक्त वहीं गुजरता है, सी नहीं। अब आप टोटल कर लें। रिजल्ट्स, अगर आपके पॉइंट्स 10 और 17 के बीच है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके रिजल्ट से अंदाजा हो रहा है कि आप उस तरह से अपने प्यार से करीब नहीं हैं जैसा कि होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आपके प्यार का साथ कब तक रहेगा, तो इसके लिए वक्त निकालें और फोकस करें। जल्दी में कदम उठाना नुकसानदेह है। अगर आपके पॉइंट्स 18 और 26 के बीच है तो खतरा है। आपके रिजल्ट से अंदाजा होता है कि आपका प्यार जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। अगर आप चाहती हैं कि ऐसा ना हो तो अपने इस रिश्ते को वक्त दें, तवज्जो दें। अगर आपके पॉइंट्स 27 और 36 के बीच है तो उम्मीद है। आपके रिजल्ट से अंदाजा होता है कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है और ये एक अच्छी बात है। उसकी पेशकदमी मोहब्बत की जानिब है। यहाँ आपको सब्र की ज़रूरत है। देखें कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर आपके पॉइंट 37 और 45 के बीच है तो प्यार जारी रहेगा। रिजल्ट से ऐसा लगता है कि आप दोनों साथ हैं और दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री है। आप बस दिखाते रहें कि आपको उससे कितना प्यार है। उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, उसे तारीफ दें। ये तमाम तरीके दोनों के बीच बॉन्ड के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद की जाती है कि दोनों के बीच मोहब्बत जारी रहेगी। अगर आपके पॉइंट 46 और 50 के बीच है तो ताल्लुकात आखिर तक रहेंगे। रिजल्ट से अंदाजा होता है कि दोनों के बीच ताल्लुक कायम होगा जो मरते दम तक रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच शदीद जज्बात पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ राहत बांटते रहें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।